नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरों की ओर, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्कूली सजा बनी योग मुद्रा, पहिए की हुई फिर से खोज, पुराने कंटेनर बने घर, दुल्हन जैसा झरना, नया रूप लेंगे पुराने टायर। सदियों पुरानी भारतीय सजा अब सुपर ब्रेन योगा के रूप में आगे आ रही है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। स्कूल के पुराने जमाने में एक सजा हुआ करती थी, जिसमें छात्रों को कान पकड़कर उठक बैठक लगाने को कहा जाता था। इस सजा को अब सुपर ब्रेन योगा नामक एक मानसिक ऊर्जा कारक के रूप में घोषित किया गया है। यह योग मुद्रा मस्तिष्क की वास्तविक क्षमता को बढ़ाती है। सुपर ब्रेन योगा को फिलिपिनो गुड़ वैज्ञानिक मास्टर चाओ को सुई द्वारा विकसित किया गया था। अपनी पुस्तक में वह बताते हैं कि कैसे 3 मिनट का यह सरल व्यायाम मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ावा देता है तथा स्मृति हानि, मनोभ्रंश और यहाँ तक कि अल्जाइमर रोग के प्रभावों को रोक सकता है। यह मानसिक ऊर्जा, एकाग्रता और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ावा देती है। नासा ने बनाया है एक ऐसा पहिया जो आवश्यकता अनुसार आकार बदल सकता है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। नासा ने टायर का फिर से आविष्कार किया है। ये रोवर टायर निकेल टाइटेनियम मिश्र धातु से बने हैं, एक ऐसी सामग्री जिसे विकृत आकार दिया जा सकता है और यह पहले आकार में वापस आ सकती है। यह अनोखी निर्माण सामग्री इसे अपने मूल आकार को याद रखने की अनुमति देती है। रोवर टायर तकनीक ने एक लंबा सफर तय किया है। 1960 के दशक में पियानो के तार से जालीदार टायर बुने जाते थे। 2013 में क्यूरियोसिटी मार्स रोवर पर महत्वपूर्ण क्षति पाई गई थी। क्यूरियोसिटी रोवर में ठोस एल्यूमिनियम के पहिए थे। नए निकल टाइटेनियम टायर रोवर्स को नए आधार तलाशने और भारी भार ढोने की अनुमति दे सकते हैं। ये टायर मंगल ग्रह के लिए बनाए गए हैं। पुराने कंटेनर से ऐसे आकर्षक घर बन रहे हैं जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। डालते हैं एक नजर। धारा काबरिया और सोनाली फड़के द्वारा संचालित पुणे स्थित स्टूडियो अल्टरनेटिव्स पुराने शिपिंग कंटेनरों का पुनर्चक्रण कर रहा है और उन्हें रहने की जगहों, कार्यालयों और स्कूलों में बदल रहा है, जो पोर्टेबल, टिकाऊ और कार्यात्मक हैं। शिपिंग कंटेनरों के साथ उनकी पहली परियोजना वास्तव में एक ऐसे ग्राहक के साथ आई थी जो पुराने शिपिंग कंटेनरों से एक होटल बनाना चाहता था। उनकी टीम को एक परियोजना को पूरा करने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं, जो पारंपरिक निर्माण से काफी तेज है। महाराष्ट्र में पालघर जिले के पास क्वालिटी एजुकेशन सपोर्ट ट्रस्ट नामक एक एनजीओ के लिए उन्होंने कंटेनरों को स्कूल में बदल दिया। दूसरा स्कूल प्रोजेक्ट जिस पर उन्होंने काम किया वह 2018 में ठाणे का सिग्नल स्कूल था। फिलहाल ये दोनों नए डिजाइन खोज रहे हैं जो गुणवत्ता से समझौता किए बिना स्थापित करने में तेज और अधिक लागत प्रभावी होंगे। समस्त बंधु भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भगवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञान अधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्वशांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। पेरू में एक झरना ऐसा है जो शादी की पोशाक और घूंघट पहने दुल्हन जैसा दिखता है। आइए देखते हैं। कई बार प्रकृति और उसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देती है। प्रकृति के अजूबे का एक बेहतरीन उदाहरण पेरू का यह झरना है। इसे दुल्हन का झरना कहा जाता है और इस अनोखे नाम के पीछे का कारण है इस झरने का आकार। वायरल हुए वीडियो में इस वाटरफॉल ऑफ द ब्राइड का
एक शानदार दृश्य है जिसमें पोशाक और घूंघट पहने दुल्हन के समान नजारा दिखता है। 55 फीट ऊंचा यह झरना चट्टान के नीचे इस तरह से गिरता है कि यह चट्टान के आगे खड़े एक मानवाकृति का भ्रम पैदा करता है। कुवैत ने बड़े पैमाने पर टायरों का पुनर्चक्रण शुरू किया है। 42 दशलक्ष टायरों को मिलेगा नया रूप। कुवैत की रेत में फेंके गए 42 दशलक्ष से अधिक पुराने टायरों का पुनर्चक्रण शुरू हो गया है। कचरे की इस समस्या से निपटते हुए दुनिया के सबसे बड़े टायर कब्रिस्तान आवासीय उपनगर का रूप लेंगे। यहाँ समय समय पर लगी भीषण आग से जहरीला काला धुआं निकलता था जिससे निवासी परेशान थे, लेकिन अब कुवैत यहाँ 25,000 नए घर बनाना चाहता है। सभी टायरों को सऊदी सीमा के पास अल सलामी के एक नए स्थान पर ले जाया गया है जहाँ पुनर्चक्रण के प्रयास शुरू हो गए हैं। कर्मचारी रबड़ से फर्श की टाइलें बना रहे हैं। पुराने टायरों को साफ करके उन्हें आकर्षक उत्पादों में बदला जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से एक साल में 3 दशलक्ष टायरों का पुनर्चक्रण करने का लक्ष्य है। गणेश उत्सव में गणेश भक्तों को अक्सर गणपति बाप्पा मोरिया की गर्जना करते हुए सुना जाता है। वे अक्सर गणपति बाप्पा के बाद मोरिया कहते हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि मोरिया शब्द का अर्थ क्या है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। मोरिया शब्द 14वीं शताब्दी में भगवान गणेश के एक प्रसिद्ध भक्त मोरिया गोसावी को संदर्भित करता है, जो मूल रूप से कर्नाटक के शालिग्राम गांव से थे। बाद में मोरिया गोसावी पुणे के पास चिंचवड़ गांव में बस गए और घोर तपस्या के साथ उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और उनके बेटे ने इस घटना को मनाने के लिए श्री चिंतामणि मंदिर का निर्माण किया। मोरिया जी की भक्ति से अभिभूत होकर इस प्रकार भगवान गणेश और उनके भक्त मोरिया के बीच अविभाज्य संबंध को दर्शाते हुए भक्तगण गणपति बाप्पा मोरिया कहने लगे। इसी के साथ अच्छी और सकारात्मक खबरों का दौर आज यहीं पर रोकते हैं। फिर से मिलेंगे विश्व शांति दर्शन में। धन्यवाद।